दोस्तों, भारत का प्रत्येक जिला अपने आप में एक समृद्ध इतिहास समेटे हुए है। हर जिले की अपनी एक खास पहचान है और आज हम भारत के एक ऐसी जगह के बारे में आपको बताएंगे जो अपने टॉवल्स और चादरों के लिए भाई दुनिया भर में मशहूर है यार। और यहाँ पर आज भी सैकड़ों साल पुरानी परंपराओं को निभाया जाता है। और यहाँ एक ऐसी जगह भी है जहाँ घर के बच्चे सबसे जहरीला सांप यानी कि कोबरा के साथ बचपन में दोस्ती यारी करते हैं और उसी के साथ खेल कर बड़े होते हैं। और साथ ही ये जगह अपने ऐतिहासिक मंदिरों के कारण भी प्रसिद्ध है। और दोस्तों, ये शहर कोई और नहीं बल्कि सीना नदी के तट पर बसा हुआ महाराष्ट्र का एक प्रमुख और बहुत ही खूबसूरत शहर सोलापुर है। तो चलिए दोस्तों, एक साथ चलते हैं सोलापुर शहर के बेहतरीन सफर पर। वर्तमान में सोलापुर जिले की कुल जनसंख्या 44 लाख से ज्यादा है और सोलापुर का कुल क्षेत्रफल 14,895 वर्ग किलोमीटर है, यानी कि ये काफी विशाल जिला है। और वही बात करें सोलापुर सिटी की तो महाराष्ट्र की 7वीं सबसे बड़ी सिटी मानी जाती है। आज सोलापुर सिटी की जनसंख्या 10 लाख से ज्यादा है और यहाँ आपको विभिन्न भाषाओं का संगम देखने को मिलता है। भले ही ये महाराष्ट्र के अंतर्गत आता है लेकिन यहाँ पर उर्दू, हिंदी, कन्नड़ा और तेलुगु भाषा का भी इस्तेमाल किया जाता है, पर सबसे ज्यादा मराठी में ही लोग यहाँ पे बातें करते हैं। और ज्यादातर लोग मराठी और हिंदी के अलावा कोई ना कोई तीसरी रीजनल लैंग्वेज में बात करना जानते हैं। और ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि सोलापुर जिला असल में तेलंगाना और कर्नाटक राज्य की सीमाओं के नजदीक में आता है। धर्म की बात करें तो सोलापुर में सबसे ज्यादा हिंदू धर्म के लोग रहते हैं यार। 75% लोग यहाँ पे हिंदू हैं और वहीं पे 20% मुस्लिम आबादी यहाँ पे है और इस्लाम यहाँ पे दूसरा सबसे प्रमुख धर्म है। इसके अलावा 1% लोग जैन धर्म को मानने वाले हैं। बौद्ध, सिख, ईसाई धर्म को मानने वाले लोग भी सोलापुर में रहते हैं। अब दोस्तों मैं आपको बताऊं, सोलापुर के लोग गर्म मिजाज, सहिष्णु और दृढ़ होते हैं। आज ये एक संपूर्ण वाणिज्यिक और पर्यटन हब के रूप में उभर रहा है और इस शहर में कई मेलों और त्योहारों का भी आयोजन किया जाता है जिसमें हर धर्म और संप्रदाय के लोग हिस्सा लेते हैं। यहाँ के मंदिरों में दर्शन के लिए हर साल लाखों श्रद्धालु देश के कोने कोने से आते हैं। साथ ही यहाँ की भाषा और संस्कृति में आपको काफी विविधता देखने को मिल जाएगी। सोलापुर को कब और किसने बसाया था इस बारे में कोई खास जानकारी तो नहीं है, लेकिन इतना जरूर पता है दोस्तों कि यहाँ प्राचीन समय में आंध्रवृत्त, चालुक्य, राष्ट्रकूट, यादव और बहमनिष्ठ ने शासन किया है और बाद में ये जगह बीजापुर साम्राज्य का हिस्सा बन गया था। इसके अलावा समय समय पर ये पुणे, सतारा और अहमदनगर जिले का भी हिस्सा रहा है। सन 1828 में ब्रिटिश शासन काल के दौरान इसे अहमदनगर का उप जिला घोषित किया गया था और आजादी के बाद सन 1956 में सोलापुर महाराष्ट्र का हिस्सा बना और 1960 में इसे एक पूर्ण जिले के रूप में मान्यता दे दी गई। दोस्तों, सोलापुर का ये नाम कैसे पड़ा ये भी ना बड़ा रोचक किस्सा है। कहा जाता है कि सोलापुर असल में 16 गांवों से मिलकर बना था। इनमें आदिलपुर, अहमदपुर, चापलदेव, फतेहपुर और जामदारवाड़ी जैसे कई और गांव शामिल हैं। कहा जाता है कि इन गांवों की संख्या 16 होने के कारण ही इस स्थान को सोलापुर के नाम से पहचाना जाने लगा, लेकिन कुछ इतिहासकार इस बात से सहमत नहीं है। प्राचीन समय में सोलापुर को संदलपुर, सोनलागे और सोनलपुर जैसे नामों से जाना जाता था और कहा जाता है कि सोलापुर इन्हीं में से किसी एक नाम से लिया गया है। आपको बता दें कि आज की तारीख में सोलापुर एक प्रमुख एजुकेशनल हब बन चुका है और पूरे जिले में 65 से अधिक कॉलेज हैं, जिसमें इंजीनियरिंग कॉलेज, मैनेजमेंट कॉलेज और मेडिकल कॉलेज भी शामिल हैं। आसपास के कई जिलों के लोग सोलापुर में पढ़ाई करने के लिए आते हैं और साल 2011 की जनगणना के अनुसार सोलापुर का लिटरेसी रेट 83% है। सोलापुर अपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री, हैंडलूम, पावर लूम और बीड़ी बनाने के उद्योग के कारण सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। यहाँ की चादर आए है क्या ही कहना भाई, पूरे भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। कई देशों में यहाँ की चादरें एक्सपोर्ट की जाती हैं और साथ ही साथ यहाँ की टेरी टॉवल भी काफी ज्यादा फेमस है। सोलापुर जाने वाले पर्यटक यहाँ की चादर और टॉवल जरूर खरीद कर जाते हैं। इसके अलावा बीड़ी बनाने का काम भी यहाँ पे बहुत बड़े पैमाने पर किया जाता है। शहर की अर्थव्यवस्था मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के साथ साथ इंडस्ट्रियल सेक्टर पर भी निर्भर करती है। सोलापुर जिले के अंदर आने वाले गाँव में ज्यादातर लोग खेती बाड़ी करके ही अपना जीवन यापन करते हैं। यहाँ पर गेहूँ, कपास, बाजरा, अनार, गन्ना, तिलहन, ज्वार, सोयाबीन और मूंगफली जैसी चीजों की पैदावार की जाती है। सोलापुर में कई सारी शुगर मिल्स भी लगी हुई हैं और सोलापुर में आज मेडिकल की बहुत अच्छी फैसिलिटीज मौजूद है। सोलापुर का इंफ्रास्ट्रक्चर पहले के मुकाबले काफी ज्यादा मजबूत हो गया है और आपको बता दें कि सोलापुर में ही महाराष्ट्र का पहला वेस्ट टू एनर्जी प्लांट लगाया गया था। और अच्छी बात यह है कि सोलापुर को केंद्र सरकार ने 100 स्मार्ट सिटीज मिशन में शामिल किया हुआ है और पिछले कुछ सालों में सोलापुर में विकास को काफी ज्यादा गति भी मिली है। यहाँ पर नए हाईवेज और फ्लाईओवर्स का निर्माण किया गया। सोलापुर में वैसे तो साल भर मौसम मस्त रहता है यार, लेकिन गर्मियों के मौसम में भाई यहाँ के लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। साथ ही मई जून के महीने में जल संकट का भी सामना सोलापुर के कई हिस्सों में देखने को मिल जाता है। लोगों के घरों में हफ्तों या फिर एक दो दिन पानी नहीं आता है यार, सोचो कितना मुश्किल होता होगा। लेकिन बरसात होने के साथ ही स्थिति एकदम सामान्य हो जाती है। दोस्तों, सोलापुर को शहीदों और वीरों की भूमि भी कहा जाता है क्योंकि इस स्थान से भारत माता के अनेक वीर सपूतों ने जन्म लिया है और आजादी के महासंग्राम में खुद को न्योछावर किया। मलप्पा धनशेट्टी, कुर्बान हुसैन, जगन्नाथ शिंदे और श्री कृष्ण सारदा को सन 1931 में गिरफ्तार कर लिया गया था। इनके ऊपर दो ब्रिटिश पुलिस कर्मियों की
हत्या का आरोप लगाया गया था और सुनवाई के दौरान दोषी पाए जाने पर 12 जनवरी 1931 को इन्हें सजाए मौत का फैसला सुनाया गया और भारत माता की आजादी के लिए खुशी खुशी इन्होंने अपना प्राण त्याग दिया। साल 1930 में 9 मई से 11 मई के बीच सोलापुर के लोगों ने 3 दिन आजादी का उत्सव मनाया था। दरअसल इस दौरान महात्मा गांधी को अंग्रेजों ने गिरफ्तार करके जेल में बंद कर दिया था, जिसके विरोध में पूरे सोलापुर जिले में दंगे शुरू हो गए थे। लोगों ने सड़कों पर उतरकर ब्रिटिशर्स का विरोध किया था। अंग्रेजों ने जवाबी कार्रवाई में गोलाबारी भी कर दी थी और कई आम लोगों की उस दौरान मौत हो गई थी। 1930 में सोलापुर की म्युनिसिपल काउंसिलिंग पहली ऐसी म्युनिसिपल काउंसिलिंग थी जहां तिरंगा ध्वज फहराया गया था। दोस्तों, कई महान हस्तियों का संबंध भी सोलापुर से रहा है। महान पेंटर M.F. हुसैन का जन्म सोलापुर के पंढरपुर में ही हुआ था। इसके अलावा शशिकला, अतुल कुलकर्णी, केदार जाधव और सुशील कुमार शिंदे आदि सोलापुर से ही ताल्लुक रखते हैं। सोलापुर के लोग बहुत ही फ्रेंडली नेचर के होते हैं यार, और आसानी से आप यहां के लोगों से दोस्ती कर सकते हो। लेकिन भूल कर भी यहां के लोगों के साथ ना बदतमीजी या फिर गलत भाषा में बात करने की कोशिश भी मत करना, वरना मैंने बताया ना, ये बड़े गर्म मिजाज के भी होते हैं और आपको भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। यहां के लोग ना जब तक दोस्त होते हैं तब तक तो भाई एकदम मस्त चिल है, सब बढ़िया है, और अगर आपने इनको गुस्सा दिला दिया तो फिर यहां के लोग बहुत ही अच्छे से आपको जवाब भी देते हैं, तो जो आपको सुनना बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। दोस्तों, इस शहर में साल भर कई प्रकार के त्योहार मनाए जाते हैं। मकर संक्रांति के दौरान नंदी ध्वज की यात्रा निकाली जाती है और वही भगवान सिद्धेश्वर की शादी की सालगिरह के अवसर पर गड़ा यात्रा का आयोजन किया जाता है। सोलापुर के साई मंदिर में हर साल 6 दिवसीय विशाल मेले का आयोजन भी किया जाता है। और आपको बता दें कि लावड़ी, गोंधल और धानगिरी सोलापुर की प्रसिद्ध लोक कला है। दोस्तों, सोलापुर में आपको कुछ बेहद ही अजीबोगरीब परंपराएं देखने को मिलेंगी। और यहां शेतपाल नाम का एक गांव है जहां का नजारा देखते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं यार। इस गांव में लोग कुत्ते, बिल्ली या फिर बकरी नहीं बल्कि सांपों का राजा सबसे जहरीला कोबरा सांप को पालते हैं यार। छोटे छोटे बच्चे तो यार बिना डरे इन सांपों के साथ खेलते हैं, एकदम याराना इनका सांपों के साथ में। और सांप के रहने के लिए दीवारों में जगह बनाई जाती है, यहां सांपों की पूजा की जाती है और तो और सांपों का मंदिर भी बना हुआ है। नाग पंचमी का त्योहार तो भाई यहां पे बहुत ही खास तौर पर मनाया जाता है और आपको जानकर हैरानी होगी कि आज तक इस गांव में सांप ने किसी भी इंसान को नहीं काटा है। अब भाई इतनी दोस्ती होगी तो कोई कैसे ही सांप किसी को नुकसान पहुंचाएगा यार। इतना ही नहीं दोस्तों, सोलापुर में डोईजोड परिवार नाम का एक ऐसा परिवार है जहां 72 लोग एक साथ ही एक छत के नीचे रहते हैं। परिवार की 4 पीढ़ियां एक साथ इस घर में रहती हैं और इस घर में रोजाना 15 लीटर से भी ज्यादा दूध का खपत होता है और इस परिवार का महीने का बिजली का बिल 45,000 रुपए आता है और एक समय के खाने के लिए 1500 रुपए की सब्जी खरीदी जाती है। और जिस दिन घर में नॉनवेज बनना होता है तो भाई खाने का बजट 4 गुना बढ़ जाता है। अब खाने की बात चली रही है तो चलिए आपको बताते हैं सोलापुर के प्रमुख व्यंजनों के बारे में। शेंगदाना चटनी सोलापुर की खासियत है और ये यहाँ पे बड़े ही चाव से खाई जाती है क्योंकि होती ही इतनी टेस्टी है यार। इसके अलावा ज्वारीची भाकरी, खड़ा मटन, भरली वंगी, हुंगी यहाँ के लोकप्रिय डिशेज हैं। साथ ही आप मराठी, साउथ इंडियन और हैदराबादी खाने का यहाँ पे लुत्फ उठा सकते हैं और भाई क्या मस्त टेस्टी मिलता है सब कुछ। दोस्तों, चलिए अब आपको सोलापुर के प्रसिद्ध टूरिस्ट डेस्टिनेशन के बारे में बताते हैं जहाँ आप घूमने के लिए जा सकते हैं। सोलापुर भोईकोट किला यहाँ का सबसे प्रसिद्ध किला है। इस किले का निर्माण 14वीं शताब्दी में बहमनी वंश द्वारा करवाया गया था और ये किला स्थापत्य कला का एक बहुत ही बेहतरीन उदाहरण है। श्री सिद्धेश्वर टेम्पल सोलापुर का सबसे प्रसिद्ध दार्शनिक स्थल है। इस मंदिर के चारों ओर पानी ही पानी है और ये मंदिर सोलापुर शहर के बीच में स्थित है। यहाँ पर भगवान शिव की तांबे की प्रतिमा विराजमान है जिनके साथ ही सप्तमुखी कोबरा को भी यहाँ पे दर्शाया गया है। बताया जाता है कि ये मंदिर करीबन 700 साल पुराना है। आप सोलापुर जाए ना तो उज्जैनी डैम जरूर घूमने जाइएगा जो भीमा नदी के ऊपर बना हुआ है। महात्मा गांधी जू भी आप जरूर एक बार विजिट कीजिएगा, यहाँ पर अपने बच्चों के साथ यकीनन आप बहुत एंजॉय करेंगे। साथ ही साथ सोलापुर साइंस सेंटर भी आप जाना बिल्कुल मिस ना करें। इसके अलावा आप सोलापुर में अक्कलकोट स्वामी समर्थ मंदिर, मल्लिकार्जुन मंदिर, पार्श्वनाथ मंदिर, श्री आदिनाथ जैन मंदिर जैसे टेम्पल में दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। सिद्धेश्वर झील के तट पर स्थित सिद्धेश्वर मंदिर भी आप जा सकते हैं जो महाराष्ट्र के सबसे लोकप्रिय शिव मंदिरों में से एक है। और अगर आपको वाइल्ड लाइफ और नेचर से प्यार है तो ग्रेट इंडियन वर्स्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जरूर घूमने जाना। इसके अलावा आप हुतात्मा गार्डन और एकरुख लेक भी देखने जा सकते हो। मोतीबाग झील सोलापुर में एक प्रमुख आकर्षण का केंद्र है। सोलापुर न केवल घूमने के लिए बहुत ही शानदार शहर बल्कि यहाँ रहने के लिए भी बहुत सही जगह है यार। सोलापुर में जाने के लिए आप सड़क मार्ग, हवाई मार्ग या फिर रेल मार्ग किसी भी तरीके के साधन का इस्तेमाल कर सकते हैं। सोलापुर रेलवे स्टेशन यहाँ का प्रमुख रेलवे स्टेशन है और अगर आप फ्लाइट के जरिए सोलापुर जाना चाहते हैं तो आपको पुणे आना होगा और पुणे से सोलापुर की दूरी 245 किलोमीटर की है। वहीं मुंबई से सोलापुर की 456 किलोमीटर है और यहाँ से सड़क और रेल मार्ग से पहुँचना भी बहुत आसान है यार। सोलापुर में आपको रहने के लिए काफी किफायती दामों में होटल और धर्मशाला मिल जाएंगी और सोलापुर घूमने के लिए 3 दिन काफी है भाई। तो दोस्तों, ये था महाराष्ट्र के प्रमुख शहरों में से एक सोलापुर। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। सोलापुर की कौन कौन सी बातें आपको अच्छी लगी, आप
में से कोई सोलापुर से है या फिर महाराष्ट्र से है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर आप कभी सोलापुर गए हैं तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा ये भी हमारे साथ में जरूर शेयर।